So we'll continue with the same chapter, that is accounting for share capital company accounts. And in this sum number 78 was the homework. We'll solve your problem of that sum. It says Saregama Limited invited application for issuing 80,000 equity shares of 100 each at a premium of rupees 10. Means 100 wala share, 10 ke premium pe 110 and payable as 30, 30, 30 and balance. 20 balance, aise hi hai. Now this 30 is 20 plus 10. Extra 10 le rahi company, wo yahan pe le rahi. It says applications for 120,000 shares were received. Allotment was made on pro rata basis to all the applicants. Excess money received on application was adjusted on sums due on allotment. Dhwani, who was allotted 1600 shares, failed to pay allotment money. And Sargam, who applied for 6000 shares, didn't pay first call money. These shares were forfeited immediately after the first call. 2000 of these shares were reissued, including all the shares of Dhwani. 4 rupees 95 share and rupees 80 paid up. रीइश्यू की एंट्री आपने कनिका और दिव्यांशी रीइश्यू की एंट्री आपने लॉस पे की है या प्रॉफिट पे की है सर प्रॉफिट प्रॉफिट किया है कनिका ने प्रॉफिट किया दोनों ने प्रॉफिट किया है ना यस सर क्योंकि 80 रुपीस आए कैपिटल में और 95 आए बैंक में पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी बाय ओपनिंग कॉल नियर कॉल एंड मास कॉल इफ एनी कॉल हैज नॉट बीन मेड इफ फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड ओके ठीक है इसमें पहले दो एंट्रीज एप्लीकेशन की देन अलॉटमेंट देन है आपका फर्स्ट कॉल की दो देन शेयर फॉरफीचर ऑफ ध्वनि देन फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड ध्वनि देन शेयर फॉरफीचर ऑफ सरगम देन शेयर रीइश्यूड देन कैपिटल रिजर्व सेकंड कॉल की एंट्री नहीं होगी बिकॉज ही इज सेइंग दैट सेकंड कॉल हैज Not been made. 80,000 shares थे और 120 की applications आई हैं. मिलाएंगे entries में entries बोल रहा हूँ. 80 and 120. ध्वनि के पास कितने shares थे? 1600. ध्वनि के 1600 थे और इसने apply किए थे 6000. ये apply वाला point कर लिया था आपने? Second person सारेगामा सरगम के 6000 अप्लाइड शेयर्स थे है ना ठीक है मिलाइए यस सर ठीक है बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट रुपीस 3,36,00,000 ठीक है फर्स्ट एंट्री देन शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट 36,00,000 24,00,000 एंड 12,00,000 डन अपने आप को अनम्यूट करके मेरे को यस सर बोलते रहना या नो सर बोलते रहना यस सर यस सर Keep yourself unmuted, no problem. Everyone can keep yourself unmuted. I have no problem. Application is okay. Then allotment pay. First entry banegi share allotment account debit to share capital to security premium. 80 into 30. 24 lakhs aayenge allotment mein. Yes, 16 lakh aa rahe hain. Yes, sir. 16 lakh aa rahe hain premium mein. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ध्वनि ध्वनि जो थी उसके हमने shares निकालने हैं. Causing areas निकालनी है उसकी. उसके पास 1600 शेयर थे उसके शेयर अप्लाई कितने आए 2400 यस सर स्टेप निकाला था शेयर अप्लाइड बाय 1400 देन एक्सेस मनी एप्लीकेशन मनी आपका आ गया 2400 माइनस 1600 इनटू 30 24000 एक्सेस मनी यस सर देन कॉलिंग एरिया निकालने के लिए ध्वनि की कॉलिंग एरिया निकालने के लिए 30 इनटू 16 48000 माइनस 24000 24000 कॉलिंग एरिया बनेगी ये भी ठीक है आपकी यस सर रिसीव कितना किया आपने ड्यू हुआ था 24 लाख इसमें से माइनस 12 लाख एंट्री नंबर 2 में कितना आया था क्रेडिट जो किया 12 लाख 12 लाख बाकी 12 लाख 12 लाख में 24 ये नहीं रिसीव हुआ है आपको मींस एंट्री आपने की होगी डेबिट 11,76,000 causing areas debit 24,000 to share allotment 12,00,000 ये ठीक है आपकी एंट्री यस सर यस सर फर्स्ट कॉल की दो एंट्रीज फर्स्ट कॉल की दो एंट्रीज जो है आपकी पहले ड्यू करोगे आप अगेन 24,00,000 के साथ शेयर इन फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 24,00,000 अब causing areas ऑन फर्स्ट कॉल एक ध्वनि ने भी नहीं कॉल इन एरियर पे
वो कौन है ना, एक ध्वनि डिफॉल्टर शेयर होल्डर है, एक सरगम डिफॉल्टर शेयर होल्डर है, ऐसे ही है, ध्वनि भी तो है। यहां मिस्टेक है क्या, आपने कॉल दी एरिया यस सर जब सरगम की निकाली है, यस सर दोनों ने ऐसे किया, यस सर दोनों ने डिवाइड किया, यस सर वो कहता सरगम ने नहीं पे किए पैसे, ध्वनि ने भी तो नहीं पे किए, ध्वनि ने अगर अलॉटमेंट नहीं पे करी और उसके शेयर हम फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीट कर रहे हैं, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं पे करी, इट इज नॉट पॉसिबल कि वो अलॉटमेंट छोड़ दे फर्स्ट कॉल पे कर दे, बिकॉज फर्स्ट कॉल बाद में आएगी। ठीक है, पॉइंट है, चल रहा है पता। अब यहाँ पे yes, sir. सरगम के शेयर अलॉटेड निकाल अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स, हाउ मेनी शेयर अलॉटेड 4000 है उसके, सरगम के अलॉटेड शेयर 4000, एक उसने 4000 पे फॉल्ट हुआ है, उसने भी पे किया सरगम ने, 4000 इनटू 30 120000, एक 1600 पे 30 48000, ये ध्वनि ने नहीं पे किया, दिस इज कॉल्ड इन एरियर्स सरगम एंड दिस इज फॉर ध्वनि 168,000। हम ध्वनि के शेयर्स अलॉटमेंट के बाद थोड़ी फॉरफीट कर रहे हैं, अगर अलॉटमेंट के बाद फॉरफीट कर देते फिर बात और थी, उसके भी शेयर्स हम फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीट कर रहे हैं, तो उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं पे करी, विच मींस के फर्स्ट कॉल पे दो डिफॉल्टर शेयर होल्डर हैं, ध्वनि है 1600 शेयर्स की और सरगम है 4000 शेयर्स की, विच मींस रुपीज 168,000 हैज नॉट बीन रिसीव्ड ऑन द फर्स्ट कॉल। ठीक है, ये तो रिसीव कितना yes, sir. 24 ड्यू हुआ था, 24 ड्यू था, 168 नहीं मिला, 22,32,000 दिस इज द अमाउंट व्हिच विल रिसीव ऑन द स्टेप ऑफ फर्स्ट कॉल। टिल नाउ आई एम मिस्टेक यस सर, मिस्टेक मिल गई, कनिका को भी मिल गई है और दिव्यांशी को भी मिल गई, यस सर दोनों की कॉमन मिस्टेक थी। ठीक है, उसके बाद हम यस सर अब कंप्लीट करते हैं सबको हम। ठीक है, इसके बाद हमने फर्स्ट कॉल की बात सेकंड कॉल की एंट्री नहीं करनी, सबने क्लियर लिखा हुआ है फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड। इसके बाद हमने सीधा सीक्वेंस हम ध्वनि के शेयर से फॉरफीट करने हैं ना, ध्वनि जो है सी, मैंने कल भी यही बात कही थी, कोई भी अगर किसी भी सम में दो पर्सन के हम शेयर फॉरफीट कर रहे हैं ना, आप कोशिश करो कि आपने दोनों शेयर अलग अलग फॉरफीट करने, इकट्ठे नहीं फॉरफीट करने, मीन्स एंट्री अलग अलग पास करनी है, चाहे वो सेम स्टेप पे हो रहे हैं स्टिल यू हैव टू पास द एंट्री सेपरेटली पूरी, बिकॉज हमें अलग अलग अमाउंट वैसे भी चाहिए, हम पहले यहाँ अलग अलग निकालेंगे फिर हम प्लस करेंगे उसके बाद हम फिर माइनस करेंगे, इससे अच्छा है कि आप निकालिए अलग अलग लो। तो पहले हम ध्वनि के शेयर फॉरफीट करेंगे और मोर ओवर इसमें तो और जरूरी बनता है, रीजन बींग ध्वनि ने प्रीमियम पे नहीं किया है, सरगम ने पे कर दिया है, बिकॉज ध्वनि ने अलॉटमेंट मनी नहीं पे करी, विच मीन प्रीमियम हैज नॉट बीन पेड, सरगम ने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, विच मीन उसका प्रीमियम पेड है, एंट्री वैसे भी अलग अलग करनी ही बेटर है हमेशा। मैं ध्वनि की पहली एंट्री पास कर रहा हूँ, शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर फॉर फ्यूचर कॉलिंग एरियस। ठीक है, उसके पास थे 1600 शेयर, 1600 इंटू 80 16 ठीक है, ये 80 क्यों किया है, बिकॉज यहाँ पे शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, 20 कॉल्ड अप नहीं है, वैल्यू कॉल्ड अप है वो 80 रुपीज है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1600 इंटू 10 16,000 कॉल्स इन एरियर्स, उसने अलॉटमेंट भी नहीं पे करी, उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं पे करी, देखिए उसने अलॉटमेंट हमने ये निकाला उसके 24,000 जो उसने नहीं पे किया, प्लस उसने ये देखो 48 ये भी नहीं पे किया, निकाला ना हमने अभी अलग अलग करके 48 उसने ये नहीं पे किया, 72,000 रुपीज हैव नॉट बीन पेड बाय ध्वनि, तो 144 में 72 तो 72 हैव बीन पेड, ये एंट्री बनेगी आपकी। सरगम के शेयर्स फॉरफिट करने की, और सरगम के शेयर्स कितने फॉरफिट किए जाएंगे, 6,000 शी अप्लाइड फॉर द शेयर्स, द कंपनी हैज अलॉटेड हर 4,000 शेयर्स, तो 4,000 उसके फॉरफिट किए जाएंगे, एंट्री बन जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉलिंग एरियर्स। ठीक है बात,
एंड मैंने यहाँ प्रीमियम पेमेंट क्यों नहीं किया, बिकॉज उसने अलॉटमेंट मनी जो थी वो पे कर दी थी, इसलिए प्रीमियम पेड है तो नहीं. 4000 इंटू 80 320000 हमने उसका निकाला है, उसने सिर्फ फर्स्ट कॉल नहीं पे करी है 120 की, 120 यहाँ पे आ गया, 2 लाख उसका पेड हो गया, 2 लाख पेड. उसके बाद आपकी रीइश्यू की एंट्री है, ही सेज 2000 ऑफ दी शेयर्स हैव बीन रीइश्यूड और किए गए हैं प्रीमियम पे. एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम. बैंक में 2000 इनटू 95 कितना बना, 195 यस जो है वो आपका आ जाएगा 15 × 2 करके. यस सिक्योरिटी प्रीमियम में 30,000 एंट्री बनेगी बैंक डेबिट 190 टू शेयर कैपिटल 160 एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम 30. ठीक है ये फाइन. अब इसके बाद हम जो है इसका कैपिटल रिजर्व की अमाउंट निकालेंगे. कैपिटल रिजर्व की अमाउंट निकालने के लिए आप देखिए हमने शेयर्स कितने फोरफीट किए थे, 4000 और 1600. रीइश्यू कितने किए हैं, 2000. जब ऐसे लोगों ने दो बंदों के शेयर्स फोरफीट किए हैं और उसमें से कुछ रीइश्यू किए हों, आपको सब में हमेशा बताया होगा सारे शेयर्स किसके रीइश्यू किए हैं या दोनों में से कितने कितने रीइश्यू किए हैं, है ना, क्योंकि सारे शेयर रीइश्यू हुए ना यहाँ पे. ही सेल्स इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ मनी, धोनी के सारे शेयर. अब आप देखिए शेयर हमने फोरफिट किए धोनी, धोनी के शेयर फोरफिट किए 1600, सरगम ने फोरफिट किए 4000, टोटल 5600 हमने फोरफिट किए. By reissuing the shares, he says 2000 shares have been reissued. किसके कितने कितने? All the shares of Dhwani 1600, which means 400 shares of Sargam. ये ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया. अब जहां पे जो आपने मिस्टेक करनी है मैं पहले बता दूंगा आपको, पता नहीं हमने कल बात करी इसके बारे में कि नहीं करी. यहाँ पे पार्शियल रीइश्यू है ना, जितने शेयर फोरफीट किए गए थे सारे नहीं रीइश्यू किए गए हैं, ऐसे ही है. अब जब ऐसे हो तो हम कैपिटल रिजर्व की अमाउंट निकालने के लिए एक फार्मूला लगाते होते हैं, आपको याद होगा, अमाउंट फोरफीटेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू. टिल नाउ आई एम क्लियर, लगाते होते हैं फार्मूला. आपने जब ऐसे केस हो किसी एक के सारे शेयर रीइश्यू कर दिए, किसी एक के कुछ शेयर रीइश्यू किए तो फार्मूला टोटल के ऊपर नहीं लगाना है, टोटल नहीं ले लेना. ये हमने मेरे ख्याल से कल बात की हुई है और मेरे ख्याल से हमने स्कूल में भी बात करी थी, मैं थर्ड टाइम बात कर रहा हूँ ये वाली. अब वो सामी आ गया है ना, एक सम नंबर 75 में था शायद ये पॉइंट, या 74 में पहले आया हुआ है, हमने तब डिस्कस किया था स्कूल में, मेरे को याद है. आपने ये नहीं कहना कि अमाउंट फोरफीटेड ओवर टोटल शेयर्स फोरफीटेड टोटल शेयर, टोटल से नहीं लेना है क्योंकि जो ध्वनि है इसके सारे शेयर्स फोरफीट वाले रीइश्यू हो गए, जो सरगम थी इसके सारे शेयर्स नहीं हुए. इट मींस फार्मूला इस पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा, फार्मूला इंडिविजुअली लगाया जाएगा, कंबाइन करके नहीं लगाया जाएगा. कंबाइन करो तो आंसर गलत हो जाएगा. प्रोपोर्शनेट में इसका निकालना है, इसका तो निकालने की जरूरत ही नहीं, इसके तो सारे हो गए रीइश्यू. ठीक है, अब कैपिटल रिजर्व की अमाउंट निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, ऊपर हेडिंग देखिए, कैपिटल रिजर्व गेन ऑन ध्वनि इज शेयर गेन्स में हुआ आपको जो आपने फोरफीट की अमाउंट 72,000, ये गेन है ध्वनि का 72,000, ये आ गया आपका, प्लस गेन ऑन सरगम शेयर. सरगम के शेयर पे लगेगा फार्मूला. सरगम की अमाउंट फोरफीटेड क्या थी, ये आई थी देखिए 2 लाख थी, 2 लाख. फार्मूला क्या होता है, अमाउंट फोरफीटेड ओवर नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड विच वर 4000 इनटू नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड विच आर 400, तो ये आपका बन गया 20,000. दिस इज टोटल गेन ऑन फोरफीट रीइश्यूड शेयर. रीइश्यूड शेयर मींस 2000 शेयर,
इसमें से लॉस ऑन रीइश्यू माइनस कर दीजिए, हाउ मच इज द लॉस ऑन रीइश्यू? नील नील, बिकॉज़ द शेयर्स हैव बीन इशूड एट रीइश्यूड एट प्रीमियम। लेकिन आपने ये नहीं छोड़ देना यहाँ पे, यहाँ आपने दिखाना है, बिकॉज इट इज द कॉमन मिस्टेक कि हम यहाँ माइनस करना भूल जाते हैं, इट इज द कॉमन मिस्टेक। एम आई क्लियर? यहाँ पे आपने बता के आना है कि जब यहाँ पे लॉस हुआ नहीं, हमें तो पता था माइनस करना है, माइनस लॉस ऑन रीइश्यू नील कैपिटल रिजर्व अमाउंट 92,000। माइनस करना बोलना मत, चाहे वहां लॉस हो चाहे वहां ना हो, ठीक है? कितने आंसर है? 92 ही आंसर है। यस सर, यस सर, मिस्टेक चल गई पता बेटा, एक मिस्टेक चलिए पता आपकी, वो यही थी कि आपने धोनी के फर्स्ट कॉल की अमाउंट में कॉलिंग एरियाज नहीं निकाले। कोई और मिस्टेक थी कि इसी में बता दीजिए, मैं वो भी ठीक कर देता हूँ। और कोई रीइश्यू वाला? बिल्कुल ठीक है, रीइश्यू वाला पॉइंट आपने पकड़ लिया था कि वो प्रीमियम पे है, वो हो गया था ना? Yes, sir. मैंने देख लिया था आपने जो वर्किंग नोट बनाया है कॉलिंग एरिया का, वो भी आपका ठीक है। समझ लोगे? और कोई सम बोलिए? Yes, sir. ठीक है बच्चे, और सम बोलिए भाई। और आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है। अगर मैं ऐसे सम्स की कॉमन मिस्टेक्स की बात करूं, एक आपकी मिस्टेक होती है सम, ये आपका वर्किंग नोट वाला कॉलिंग एरियाज और अलॉटमेंट, बहुत कॉमन मिस्टेक है। एक यहाँ आप मिस्टेक कर सकते थे जो आपने करी थी, ये वाली 48,000 वनी वाले शेयर जो फर्स्ट कॉल निकले दो। तीसरी मिस्टेक आपकी रीइश्यू करते वक्त आप शायद ही छोड़ जाते जो प्रीमियम पे है कि लॉस पे है ना, वो प्रीमियम पे, वो आपने पकड़ लिया, वो पॉइंट आपने पकड़ लिया। तीन चौथी मिस्टेक आपकी ये वाली जो हो सकती थी, बाकी सब में कोई ट्विस्ट नहीं है, बाकी सारा सब सिंपल है ना। एप्लीकेशन मंगवाओ, ट्रांसफर कर दो, अलॉटमेंट ट्रांसफर करके मंगवा के पैसे ले लो, सारा कुछ सिंपल। ये चार पॉइंट्स हैं जहाँ कैलकुलेशंस भी हैं और जहाँ जिसके वेटेज जो है वो ज्यादा है बोर्ड में, ठीक है? और सम बोलिए बेटा। बस आगे करें। यस हर्षिता सर, एक बार 77 क्वेश्चन की बैलेंस शीट बता दो। 77th में बैलेंस शीट लो, उन 2048 एंड अलॉटेड फेल टू पे, दी शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड। 77 की बैलेंस शीट में है नहीं कुछ बेटा, सारे शेयर रीइश्यू हो गए हैं ना, सारे शेयर रीइश्यू हो गए नहीं? अगर शेयर रखे होते ना, फिर पॉइंट था एंड लास्ट कॉल तक बता देता हूं मुझे। की बैलेंस शीट में 120,000 शेयर्स इनटू 10 ईच, शेयर कैपिटल 120 इनटू 10 रुपीज 12 लाख, एंड रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस में एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और एक कैपिटल रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका उसने फॉल्ट किया है, इस पे पूरे का पूरा आ जाएगा 2 रुपए के हिसाब से 2,40,000। और कैपिटल रिजर्व कितनी अमाउंट आई है इसमें? 14,000। वैसे उसने ना यहाँ हर्षिता सिर्फ शेयर कैपिटल पूछी हुई है, उसने कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं पूछी, उसने कहा सिर्फ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल 12 लाख ही बनती है बच्चे, मेरे को लगता नहीं कुछ और है इसमें, इतना ही दिया है उसने। अदरवाइज अगर पूरी बैलेंस शीट होती तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और कैपिटल रिजर्व इधर एसेट साइड कैश एट बैंक, सारे डेबिट वाले आप बैंक बैलेंसेस प्लस कर लीजिए, जो इतना प्लस करके आपका आ रहा है यहाँ 14,54,000, वही आता कैश एट बैंक। प्रॉब्लम कहाँ आई हर्षिता? कैपिटल रिजर्व को रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व में फिर कॉलिंग एरियर्स भी नहीं आएंगे ना कोई? नहीं बेटा, कॉलिंग एरियर तब तक आते हैं जब तक शेयर्स फॉरफिट ना किए हुए, कॉलिंग एरियर तब तक जब तक शेयर्स फॉरफिट नहीं किए। अगर शेयर्स फॉरफिट कर दिए ना, उसके बाद तो हम कॉलिंग एरियर क्रेडिट कर ही चुके हैं, वो तो खत्म हो गए, ठीक है? अगर शेयर फॉरफिट कर दिए हैं फिर प्लस शेयर फॉरफिटेड अमाउंट आ जाती होती है, अगर वो रीइश्यू कर दिए फिर शेयर फॉरफिटेड अमाउंट नहीं आनी, पहले कॉलिंग एरियर, पहले कॉलिंग एरियर प्लस शेयर फॉर फ्यूचर,
फिर कैश रिजर्व, अगर उसने पैसे नहीं पे किए, बैलेंस शीट यहां तक बन रही है, तो शेयर कैपिटल में, सब्सक्राइब कैपिटल में ऑल इन एरियर माइनस किए जाएंगे। अगर वो शेयर फॉरफिट कर दिए गए तो फिर ये नहीं होगा, बिकॉज ऑल इन एरियर कैंसिल हो चुकी है, तब शेयर फॉरफिचर की अमाउंट जो गेन हुआ होगा वो प्लस किया जाएगा शेयर कैपिटल में। और अगर वो रीइश्यू हो गए और ये नहीं होगा, फिर वो कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। जैसे ही हम अगले स्टेप पे जाएंगे, पिछला स्टेप हमारा फिनिश हो जाएगा, वो नहीं करेंगे। पहले कॉल इन एरियर होती है, वो पैसे पे नहीं करता, फिर हम उसके शेयर्स फॉरफिट कर देते हैं, फिर उसके हम शेयर्स को रीइश्यू कर देते हैं। अगर उसने कॉल इन एरियर रखी हुई है, पैसे नहीं पे किए हैं, और हम बैलेंस शीट यहाँ बना रहे हैं कॉल इन एरियर के बाद, मीन्स द शेयर्स हैव नॉट बीन फॉरफिटेड येट, तब कॉल इन एरियर माइनस होगी। अगर कॉल इन एरियर के बाद हमने शेयर फॉरफिट कर दिए, फिर कॉल इन एरियर नहीं माइनस होनी, फिर शेयर फॉरफिट जो हमने अमाउंट करी है शेयर फॉरफिट, वो शेयर कैपिटल में ऐड हो जाएगी और नंबर ऑफ शेयर्स माइनस हो जाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स माइनस हो जाएंगे और शेयर जो अमाउंट हमने फॉरफिट की है, जो हमने फॉरफिचर में टू किया होगा शेयर फॉरफिचर, वो प्लस हो जाएगी शेयर कैपिटल में। और अगर वो शेयर्स बाद में रीइश्यू हो जाते हैं तो फिर वो भी नहीं होना, फिर वो कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। जैसे ही हम अगले स्टेप पे जाएंगे, पिछले वाला स्टेप हमारा कवर हो चुका होगा, फिर वो नहीं करना। कॉल इन एरिया तब तक जब तक शेयर्स नहीं फॉरफिट होते, शेयर फॉरफिचर तब तक जब तक वो रीइश्यू नहीं होते, और जब वो रीइश्यू हो गए तो उसका जो गेन है वो कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस शीट आगे जाके ना एक दो आएंगी, वहां पे और क्लियर हो जाएगा, वहां पे और क्लियर होगा। ठीक है, एक हमने शायद क्लास में बैलेंस शीट मेरे ख्याल से की भी थी, जिसमें 2000 शेयर्स थे फॉरफिटेड और 1600 शेयर्स रीइश्यू थे, 50-60 नंबर सम के आसपास कहीं था, मेरे को याद है, ज्ञानशी ने पूछा था सम क्लास में, वो 72 उसमें 2000 शेयर्स फॉरफिटेड थे और 1600 शेयर्स रीइश्यू किए हुए थे, है ना, याद है। वो बैलेंस शीट एक बार देख लेना, ऐसी वाली बैलेंस शीट्स और भी आनी है, करेंगे हम, करेंगे इसको। और कोई पॉइंट बेटे, चले आगे। ओके, 80-40, 25-10, चलो एटीएस हम मैं बाद में करवाऊंगा आपको, इसमें पॉइंट है, पहले जो सेम पॉइंट हमने किए हैं वो कर लें, एटीएस को पेंडिंग रख लेता हूँ। सम नंबर 81 देखना बेटा, एक्स वाई जेड लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹2 लाख डिवाइडेड इनटू 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, ऑफ व्हिच 1000 शेयर्स वर ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर, हाउ मेनी शेयर्स हैव बीन ऑफर्ड 1000 की एंट्री करनी है, जो 2000 दिए हुए हैं दैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल व्हिच द कंपनी कैन इशू इन इट्स लाइफ टाइम। The company has not issued yet. It has issued only 1000 shares. And he says payable as 10, 25, 40 and 30. Applications were received for 1800 shares, of which applications for 300 shares were rejected outright. The rest of the applications were allowed 1000 shares on a pro rata basis. Excess application money was transferred to allotment. अब यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, उसने दो कैटेगरीज कर दी। ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ डील करने का मेथड नंबर 3 याद है। मेथड नंबर 1 क्या होता था, सिंपली वी रिजेक्ट द एप्लीकेशंस। सेकंड में क्या होता था, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दो प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन करके, प्रो रेटा जिसको हम बोलते हैं। थर्ड क्या होता था, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द मेथड्स। कुछ को हमने रिफंड कर दिया, कुछ को हमने प्रोपोर्शनल दे दी। यहाँ पे कंपनी ने यही किया, यहाँ पे क्या किया कंपनी ने, उसने दो कैटेगरी बना ली। टोटल अप्लाइड शेयर्स हैं 1800 और टोटल अलॉटेड शेयर्स हैं जो वो है 1000। अब कैसे एडजस्टमेंट की गई, ही सेज जिन्होंने 300 शेयर्स अप्लाई किए थे उनको हमने कितने शेयर्स दिए, कितने दिए, नहीं दिए, नहीं दिए, नील, दे वर रिजेक्टेड आउटराइट लिखा हुआ है, मींस दे वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट, नथिंग वाज इश्यू टू देम। बाकी कितनी बच गई एप्लीकेशंस, 1500। At the rest of the applications were given 1000 shares, all the shares on pro rata basis. 1500 shares applications को हमने लगा शेयर दे दिए। If I am clear, let me know if I am not clear.
ठीक है, ये हमारी टोटल बन रही है 1800 एप्लीकेशन और 1000 शेयर्स ये बन रहे हैं, ठीक है ना। ये 300 कुछ नहीं मिला, बाकी 1555 को 1000 मिल गया, दो कैटेगरीज बन गई हमारी। ऐसे जरूरी नहीं कि दो बनेंगी, तीन बन सकती हैं, चार बन सकती हैं, जितनी मर्जी बनाई कंपनी, कंपनी की अपनी मर्जी, लेकिन मेथड वही दो रहेंगे, या हम रिफंड करेंगे या हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। नाउ ही सेज All the money was duly received except from Sundar, holder of 100 shares, who failed to pay allotment and first call money. His shares were later forfeited and reissued to Shyam at 60 per share, 70 paid up. Final call has not yet been made. यहाँ भी सम फर्स्ट कॉल तक ही है। 100 वाला शेयर था, 5 रुपए के प्रीमियम पे 105 में हम दे रहे हैं 10, 25, 40, 30 and this 25 is 20+5 ठीक है, ठीक है। अब इसका सीक्वेंस एंट्रीज का, हाउ मेनी शेयर्स वर देयर, 1000 and 1800 एंड सुंदर होल्डिंग 100 शेयर्स। सुंदर 100 शेयर्स अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ही हैज नॉट पेड। तो पहली एंट्रीज शेयर एप्लीकेशन की दो विद हाउ मेनी शेयर्स, 1800 शेयर्स। सेकेंड उसके बाद अलॉटमेंट की दो एंट्रीज, हाउ मेनी शेयर्स, 1000 ठीक, और प्लस वर्किंग नोट, बिकॉज सुंदर जो है ऑल द शेयर होल्डर्स आर इन दिस कैटेगरी सी, कोई भी शेयर होल्डर कहीं और नहीं है, ऑल द शेयर होल्डर्स आर इन दिस कैटेगरी। यहाँ उसने अलॉटमेंट नहीं पे करी, इसका वर्किंग नोट बनना है सुंदर का। उसके बाद फर्स्ट कॉल की दो एंट्रीज, देन शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर रीइश्यूड एंड कैपिटल रिजर्व। सीक्वेंस में प्रॉब्लम तो बताइए बेटा, अगर सीक्वेंस की प्रॉब्लम कोई है तो बता दीजिए, ठीक है ये। अब यहाँ जो पॉइंट है डिस्कस करने वाला ए, इसमें अब अब इस केस में हम इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालेंगे सारी कैटेगरीज का अलग अलग, इसका कितना बन रहा है एक्सेस एप्लीकेशन मनी, इट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स अप्लाइड एंड अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी, कितना बनेगा 3000 माइनस 10, यहाँ कितना बन रहा है 5000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे। एंट्री नंबर वन जो बनेगी वो तो सेम ही है, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1800 इंटू 10 18000 ठीक। एंट्री नंबर टू में अब दोनों पॉइंट्स आएंगे, दैट एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 18000 टू शेयर कैपिटल 1000 इंटू 10, जितने हमने शेयर देने थे हमारी जो कैपिटल है 10000 टू बैंक 3000 टू अलॉटमेंट 5000। ये भी पॉइंट हम वैसे पहले कर चुके हैं, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा था, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। अब यहाँ जो एक नया पॉइंट आया है, नया अभी तक के लिए, सुंदर के पास कितने शेयर्स थे, 100 शेयर, तो उसने अलॉटमेंट नहीं पे करी, वर्किंग नोट बनेगा, और 100 अलॉटेड शेयर्स हैं या अप्लाइड शेयर्स हैं, कौन से रखने हैं जो निकालने हैं, जो यहाँ कौन से निकालने हैं, अप्लाइड अप्लाइड ये वाले निकाल देंगे, ऊपर हम 1500 रखेंगे, 1800 रखने हैं, नया पॉइंट है ये, अभी तक आया नहीं था मेरे ख्याल से, 1500 रखने, हमने 1800 से नहीं करना, जिस कैटेगरी में शेयर होल्डर है उस कैटेगरी के शेयर रखने हैं ऊपर। इससे पहले क्या हो रहा था,
कैटेगरी ही एक बन रही थी, जितने हमने सम्स किए हैं ना सब में कैटेगरी ही एक बन रही थी, तो हम उसी को ऊपर दूसरे को नीचे रख लेते थे। अब यहाँ पे क्या है, दो कैटेगरीज बन गई, एक शेयर होल्डर यहाँ पे है जिन्हें कुछ नहीं मिला, एक यहाँ पे है। तो जिस कैटेगरी का शेयर होल्डर है, एवरी शेयर होल्डर इज इन कैटेगरी नंबर टू, इसी में ही है। तो ऊपर आप 1800 रखोगे, ऊपर आप 1500 रखोगे, आपने शेयर अप्लाइड अलॉटेड उस कैटेगरी के लेने हैं जिस कैटेगरी में शेयर होल्डर कॉल कर रहा है। एम आई क्लियर? ये भी एक मिस्टेक है, ये भी एक मिस्टेक है, मतलब ये पॉइंट जो मिस्टेक्स वाले हैं ना आप कहीं नोट करते रहिए, ये मिस्टेक वाला पॉइंट है। 1500 रखने हैं, 1800 नहीं रखने हैं, यहाँ से आपके 150 शेयर आ जाएंगे, शेयर्स अप्लाइड बाय सुंदर 150, उसके बाद आपका सारा कुछ जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। और इस सब में कैश बुक पूछी हुई है, विच मीन्स कैश वाली एंट्रीज, बैंक वाली एंट्रीज आप कैश बुक में करोगे, बाकी एंट्रीज आप जर्नल में करोगे। अगर किसी एंट्री में कंबाइंड आ रहा है, बैंक भी है दूसरा भी है, तो उतना पोर्शन बैंक वाला कैश बुक में कर देना और बाकी का पोर्शन जो है वो जर्नल में कर देना। फॉर एग्जाम्पल एंट्री नंबर टू जब एडजस्ट किया, फॉर एग्जाम्पल कॉल इन एरियर्स, फॉर एग्जाम्पल री इश्यू ऑफ शेयर, ये वो एंट्री जहाँ बैंक भी आएगा दूसरी एंट्री भी आएगी, इनको दो पार्ट्स में स्प्लिट करके फिर आपने वो है जो करना है, ठीक है। ये बात ठीक है, ये सम आपका हो जाएगा, इसमें और कोई पॉइंट नहीं था जो मैंने बताया, सिर्फ वही था। इसके अलावा एक आप सम करोगे, सम नंबर 83 रुचि लिमिटेड वाला, 83 एक 84, ये भी सेम ही है 84, मैं वो सम बता रहा हूँ जो सेम है 87, ये करना, ये वाले सम्स करना, और एक दो पॉइंट्स रह गए हैं करने वाले और उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मेरी साइड से। कोई तो डाउट्स रहेंगे आपके, जो मैंने सम अभी बताए हैं आपको वो सम सारे ये वाले जो है सेम में निकल आएंगे, है ना। एक आध पॉइंट मेरा करवाने वाला रहता है, एक लेक्चर में या दो लेक्चर में हो जाएगा मैक्सिमम, एक लेक्चर आप और लगा लीजिए आपकी प्रॉब्लम सुनने के लिए, उसके बाद हम चैप्टर को एंड अप कर देंगे, लास्ट वाला चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जिसका कुछ भी पेंडिंग पड़ा हुआ है वो कर ले, बिकॉज मैक्सिमम 2-3 डेज हैं हमारे पास और, है ना, और कल दिवाली भी है,